हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट मींस पूर्ण, टेंस मींस काल। यानी वैसे तो नाम से ही पता चलता है कि जिस वर्तमान काल में जब कार्य का पूरा होना पाया जाए तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए बात करते हैं पहचान की। तो सबसे पहले पहचान, पहचान में मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। जैसे इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, वह वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो इन वाक्यों के में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हैज और हैव लगता है। अब हैज किसके साथ लगता है? एकवचनकर्ता के साथ। हैव किसके साथ लगता है? बहुवचन और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए, हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दो चीज़ें हमको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, देखिए स्वीकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले जो फार्मूला है, फार्मूला कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। ठीक है, अब आप सेंटेंस कोई भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। दोनों तरह से सही है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने रखा हैव। आफ्टर देन मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या थी हमारी? डू, करना, डन। फिर उसके बाद में आई के साथ अपने की अंग्रेजी, आई के साथ माई, और फिर ऑब्जेक्ट होमवर्क। यदि हम यहाँ इसको इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही अगर हम यहाँ रख दें तो ये हैज हैव का हैज हो जाएगा, और यहाँ माई की जगह ही के हिसाब से हिज रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए, किसी भी काल का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले हम वहाँ क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा है, उसने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, या वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले हमें सब क्या लेना है? सब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, तो हमने सब्जेक्ट रखा ही। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही के हिसाब से क्या आएगा? हैज। उसके तुरंत बाद हमको क्या रखना है? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने नॉट रख दिया है। मेन वर्ब क्या है हमारी? टॉट। ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। ऑब्जेक्ट आ जाइए, तो देखिए हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लिया है पहले, तो टू यू लगाना पड़ा है। हम इसको अगर चाहें तो ही हैज़ नॉट टॉट यू को पहले रख करके फिर यहाँ पर इंग्लिश का हम रख सकते हैं। ठीक है, हु हैज़ नॉट टॉट यू इंग्लिश, या हु हैज़ नॉट टॉट इंग्लिश टू यू। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। तो देखिए, किसी भी काल का इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप सेंटेंस होगा, फॉर्मूला यही होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, क्या गीता गाना गा चुकी है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज़। गीता के हिसाब से क्या आएगा? हैज़। ठीक है, आफ्टर देन सब्जेक्ट, फॉर्मूले के हिसाब से गीता हमारा है सब्जेक्ट है। नॉट, नॉट इस सेंटेंस में है ही नहीं, जब नहीं है तो हम ये स्किप कर देंगे, आगे वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या? सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। क्या गया? ए सॉन्ग। सेंटेंस क्या बना? हैज गीता संग ए सॉन्ग, क्या गीता ये गाना गा चुकी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंसेस। देखिए, किसी भी काल का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनका कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी का जो
इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस होगा, फार्मूला यही होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने सेंटेंस लिया है, उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई हमारा क्यों, वह हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमने सबसे पहले पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब रखिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट ये रहा हमारा ही, तो उसके हिसाब से हैज आ गया। आफ्टर देन फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट रखिए, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, इस सेंटेंस में नॉट है तो हमने नॉट लगाया तुरंत। फिर क्रिया क्या है, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न हो गया। क्या याद नहीं किया है, अपना पार्ट, हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क मार्क, वाई हैज ही नॉट लर्न हिज लेसन, सेंटेंस तैयार हो गया, एनी डाउट। चलिए अब ये लास्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया है, हूँ टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे तो मैं बता दूँ कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही काउंट होता है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग, तो तरीके से ही समझा देता हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिए, सब मैंने सेंटेंस लिखा, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला कहता है पहले क्वेश्चन वर्ड रखो, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है हमारा किसने, किसने की अंग्रेजी, हूँ। अब हमने हूँ को स्टार्टिंग में रख दिया, क्वेश्चन वर्ड। अब फॉर्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब रखिए, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट, तो ढूंढो सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर। डूअर क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ा रहा है। पढ़ा कौन रहा है, किसको पढ़ा रहा है, तुम्हें। क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। कौन पढ़ा रहा है, तो भैया वो कौन यहाँ छुपा हुआ है इस वर्ड में। तो इस सेंटेंस जो वर्ड हमने स्टार्टिंग में रखा, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। अब ध्यान दो, जब सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रख दिया, तो हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट कौन कौन से सेंटेंसों में रखा था, या तो हमने अफर्मेटिव में रखा था सबसे पहले, या फिर हमने नेगेटिव में रखा था। तो सेंटेंस या तो बनेगा अफर्मेटिव या बनेगा नेगेटिव। तो अब इसमें देखिए नॉट है नहीं, जब नहीं नहीं है तो फिर यहाँ नॉट हम नेगेटिव में बना ही नहीं सकते, तो ये सेंटेंस बना अफर्मेटिव। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, एक वचन करता, क्योंकि पढ़ाने वाला, जैसे अब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अकेला ही हूँ, तो एक वचन करता हुआ, तो सबसे पहले हूँ। आफ्टर देन एक वचन करता के हिसाब से हैज़। क्या काम किया, टीच, थर्ड फॉर्म टॉट, किसको पढ़ाया, तुम्हें। क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो हूँ हैज़ टॉट यू इंग्लिश। क्लियर है, एनी डाउट। यानी कोई भी जो सेंटेंस, कौन वाला सेंटेंस आएगा, हमें वो हूँ को स्टार्टिंग में रखते हुए उसको एज एफर्मेटिव या एज नेगेटिव, यानी एफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे, डन।